हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले एशियन के बिल्कुल लेटेस्ट आर्टिकल प्लाज्मा 07 का। एशियन ब्रांड हर मंथ काफी नए नए मॉडल मार्केट में उतारता रहता है एंड टाइम के साथ एशियन ने अपने शूज के डिजाइन एंड मटेरियल क्वालिटी में भी काफी काम किया है। जैसे कि मैंने ऑब्जर्व किया, एशियन ब्रांड का फोकस लाइट वेट शूज मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा बढ़ गया है। तो आज जिस शूज का हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले, उसका भी जो वेट है वो काफी कम रहने वाला है। तो इस शूज से रिलेटेड सारी जानकारी के लिए बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल ट्रू रिव्यूज पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं शूज के बॉक्स के बारे में। तो शूज का जो बॉक्स आता है वो रेड कलर के अंदर आता है। यहाँ पे वीरेंद्र सहवाग की फोटो आपको मिल जाएगी, साथ में एशियन की ब्रांडिंग भी आपको देखने को मिल जाती है। शूज को इस साइड टर्न करते हैं तो यहाँ पे भी सेम सा डिजाइन आपको देखने को मिलेगा। और जब इस शूज को इस साइड टर्न करते हैं तो यहाँ पे आपको शूज का जो आर्टिकल नेम है, जो कलर मैंने ऑर्डर किया है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, प्राइस क्या रहता है और एड्रेस भी इवन यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो जल्दी से शूज को कर लेते हैं अनबॉक्स और डिटेल में सारी बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। इस सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे इन फ्यूचर में मेरी वीडियो से रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। इस तरह की पैकेजिंग के साथ ही शूज आपको देखने को मिलेगा। जो शूज मैंने ऑर्डर किया वो ग्रे कलर के अंदर किया। यहाँ पे दो कलर और ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि शुरू में मैंने बताया था कि एशियन का ये शूज काफी लाइट वेट रहने वाला है। जब भी इसको आप होल्ड करोगे तो बिल्कुल आपको हवा के जैसा ये शूज लगेगा। लेकिन वीडियो के आगे हम शूज का वेट भी करने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर। तो इस शूज का एक कंप्लीट ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। शूज का जो MRP है 999 है, जिसपे आपको 10-30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। रेटिंग शूज को अभी ज्यादा नहीं मिली क्योंकि शूज अभी अगस्त में ही लॉन्च हुआ है। इस शूज पे आपको 14 डे की रिटर्न पॉलिसी मिल जाती है, साथ में कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो ये शूज आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा तीनों जगह पे मिल सकता है, तो वहाँ पे जाइए शूज को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको लिंक चाहिए शूज का तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक का भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शूज के डिजाइन के बारे में। तो ये शूज आप रनिंग, वॉकिंग, जिम, पार्ट इन कैजुअल पर्पस सभी के लिए यूज कर सकते हैं। शूज थोड़ा सा आपको स्नीकर स्टाइल वाली फीलिंग देता है। शूज के अपर में आपको मैश PVC एंड स्पोर्ट्स लेदर का तीनों का यूज देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में यहाँ पे मैश का यूज देखने को मिलता है, मिड के अंदर यहाँ पे PVC का यूज देखने को मिलता है, बैक साइड में आपको यहाँ पे लेदर का यूज देखने को मिलेगा जो की स्पोर्ट्स लेदर है। तो थोड़ा सा क्वालिटी के बारे में भी आपको थोड़ी सी नॉलेज दे दो। तो क्वालिटी इसके प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक ठाक है, जस्टिफाई करता है इसके प्राइस को। मैं नहीं कहता इसका जो मटेरियल यूज किया वो ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी का या ज्यादा चीप क्वालिटी का, ठीक ठाक मटेरियल शूज में यूज किया गया है। तो इस शूज को अगर मैं रेट करना चाहूँ तो 8.5 रेटिंग देता हूँ आउट ऑफ 10। नेक्स्ट बात करते हैं शूज के आउटर सोल के बारे में। तो शूज के आउटर सोल में आपको EVA सोल देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से शूज काफी लाइट वेट हो जाता है। डिजाइन में डिफरेंट शेप के लाइनिंग पैटर्न आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको काफी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करने वाले हैं। बाकी आउटर सोल की क्वालिटी नो डाउट काफी बेटर लगी मुझे। इसके जो प्रीवियस मॉडल थे उनमें ये जो क्वालिटी थी उनसे मैं ज्यादा सेटिस्फाई नहीं था, लेकिन ये शूज में काफी अच्छी बेटर क्वालिटी का आपको आउटर सोल देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं शूज के कम्फर्ट के बारे में। तो जिनको एशियन के शूज से कम्फर्ट को लेकर शिकायत थी, वो इस शूज में एशियन ने दूर कर दी है। तो बीओ ने शूज का कंफर्ट काफी बढ़िया है। जब शूज को वियर करते हो तो आपको एक सॉफ्ट फॉर्म वाली फीलिंग ये शूज देता है, जिसका रीजन ये है कि इसमें आपको सॉफ्ट मिड सोल देखने को मिलता है और साथ में जो इनसोल की क्वालिटी है वो भी काफी बढ़िया है। कंफर्ट के सेगमेंट में शूज को मैं रेट करना चाहूँ तो 9/10 रेटिंग देता हूँ। वहीं बाकी बात करते हैं शूज के इनसोल में, तो आपको एशियन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, साथ में एयर कुशन लिखा हुआ भी मिल जाता है। जो अंदर की साइड क्लोथ यूज किया गया उसकी क्वालिटी भी काफी बढ़िया लगी मुझे। तो शूज की टंग के नीचे आपको यहाँ पे मॉडल नेम, साइज और मेड इन इंडिया लिखा हुआ मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं शूज की लेसेस क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पे आपको राउंडेड शेप में नायलॉन से बनी हुई लेसेस देखने को मिलते हैं, जिसकी क्वालिटी इसके प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे ठीक लगी। शूज की टंग के अंदर आपको हैवी पैडिंग का यूज देखने को मिल जाएगा, साथ में यहाँ पे एशियन की ब्रांडिंग भी दी गई है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं शूज के वेट के बारे में। तो शूज को जब होल्ड करोगे तो काफी लाइट वेट आपको देखने को मिलेगा ये शूज। फिर भी शूज का हम वेट एक बार करके देख लेते हैं। जब शूज का वेट करके देखते हैं तो शूज का जो वेट निकल कर आता है 208 ग्राम निकल के आता है। तो आपको एक कैसे आइडिया होगा कि कितना लाइट वेट होने वाला है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, जो मेरा फोन है Realme 6 Pro उसका भी वेट आपको करके दिखा देता हूँ। तो जो Realme 6 Pro का जो वेट निकल कर आता है 202 ग्राम निकल कर आता है, तो इसके आसपास ये वेट रहने वाला है। तो
तो जिन शूज का वेट अगर 300 से कम रहने वाला है तो वो लाइट वेट की कैटेगरी में आते हैं। और सुपर लाइट वेट की कैटेगरी में जो शूज आते हैं वो अराउंड आप मान के चलो 210 ग्राम से अगर वो शूज का वेट कम है तो वो सुपर लाइट कैटेगरी में आ जाता है। तो भाई सुपर लाइट की बात हो रही है तो एक शूज मैंने रिव्यू किया था प्यूमा का, तो उस शूज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया और आई बटन में भी उसका लिंक आपको दे दूंगा, वो जाके वीडियो आप देख सकते हैं। तो कई मेरे सब्सक्राइबर उन्होंने हील हाइट के बारे में पूछा था कि हील हाइट कितनी है शूज की, तो आगे की जितनी भी वीडियो होगी उनके अंदर हील हाइट को भी हम मेंशन कर लेते हैं। तो शूज की जो हील हाइट है वो यहाँ पे 1.5 इंच निकल कर आती है और सेंटीमीटर में इसको कैलकुलेट करें तो ये 4 सेंटीमीटर निकल गया। जो ऑल ओवर शूज की लेंथ है वो 11 इंच मिलती है आपको, जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिल जाता है कि शूज की लेंथ कितनी रहने वाली है और आपको ये शूज फिट आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं शूज के प्राइस के बारे में। जो शूज का MRP है 999 है, लेकिन ये शूज को आप डिस्काउंट के साथ 700 से 900 की रेंज में परचेज कर सकते हैं। तो बी ऑनेस्ट, इस प्राइस रेंज के अंदर ये शूज काफी बढ़िया आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करेगा। अगर आप कंफ्यूज है स्पार्क शूज लें या फिर आप एशियन शूज लें, तो इसका कंपैरिजन वीडियो भी मैं जल्दी लेकर आऊंगा, जिसकी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, होप मैंने सारे डाउट क्लियर कर देंगे शूज से रिगार्डिंग। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।